हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कैनेडा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, सबसे पहले तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनको उनके वीज़े रिसीव हो चुके हैं, एंड मेरे व्यूअर्स को थैंक यू कि वो अपनी पीपीआर्स की टाइमलाइन मेरे साथ शेयर करते हैं, एंड उससे दूसरे लोगों को भी अपना जो एस्टिमेट है वो लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो गाइस, चलिए पीपीआर की टाइमलाइन देख लेते हैं जो न्यू पीपीआर्स आई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली पीपीआर की टाइमलाइन। तो ये देखिए गाइस, सितंबर 10 की ये फाइल है। सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया था। नेक्स्ट डे इनको बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आ गया। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ इनको ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई है नवंबर 29 को। ओके गाइस, तो ये मेरे व्यूअर हैं, इनको इनकी पीपीआर रिसीव हुई थी कल। फाइल लॉजमेंट डेट थी इनकी 17 सितंबर, बायोमेट्रिक्स की डेट है इनकी 4 अक्टूबर, मेडिकल अपडेट हुआ, एंड पीपीआर इनको सेम डे 29 नवंबर को रिसीव हुई थी। एसटीएस फाइल थी, शेयर्ड इन कॉलेज के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, सितंबर 20 है फाइल लॉजमेंट डेट। सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया। उसके बाद बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आया था। देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। देन ये नेक्स्ट है, सितंबर 17 है फाइल लॉजमेंट डेट। सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया। नेक्स्ट डे इनको बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर भी आ गया। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया इनको नवंबर 23 को। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके गाइज, ये नेक्स्ट देखिए, ये भी व्यूअर हैं मेरे, नॉन एसटीएस विद पीटीई 57 के साथ इनको इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है। 12th पास्ट आउट हैं ये 55% के साथ कमर्स में और 2020 में, और इन्होंने अपनी फाइल लॉन्च की थी अक्टूबर 9 को। सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया था। उसके बाद आफ्टर 2 डेज इनको इनका बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर मिला। देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके गाइज, ये नेक्स्ट देखिए, इनकी फाइल लॉजमेंट डेट है 20 सितंबर। एसटीएस फाइल है, मेडिकल अगस्त 20 का है, बायोमेट्रिक्स हैं अक्टूबर 20, सेम डे अपडेट हो गए थे। देन पीपीआर एंड मेडिकल अपडेट हुआ था इनका नवंबर 29 को। देन गाइज, ये नेक्स्ट देखिए, सितंबर 18 है फाइल लॉजमेंट डेट। रीअप्लाइड केस है ये। सबमिशन कन्फर्मेशन सितंबर 18, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके, तो ये नेक्स्ट देखिए, सितंबर 22 फाइल लॉजमेंट डेट। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आ गया। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया नवंबर 28 को। देन ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके गाइस, तो ये भी मेरे व्यूअर हैं, इनको इनके बेटे की पीपीआर रिसीव हुई थी। उन्होंने फाइल लॉज की थी 20 सितंबर को, मेडिकल 24 अगस्त का था, बायोमेट्रिक्स 23 सितंबर, देन पीपीआर रिसीव 29 नवंबर को। 10th में 92% हैं, 12th में 78% है उनकी, आईएस में 6.5 पेंस एंड नॉट लेस देन 6, एंड नाइग्रा कॉलेज के लिए उनको उनका वीज़ा ग्रांट हुआ है। ओके गाइज, नेक्स्ट है सितंबर 9 फाइल लॉजमेंट डेट। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आ गया। देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया नवंबर 29 को। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके, ये नेक्स्ट है सितंबर 19 फाइल लॉजमेंट डेट। सबमिशन कन्फर्मेशन सेम डे। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर इनको सितंबर 20 को आया। उसके बाद एक रिक्वेस्ट लेटर आया नवंबर 26 को। देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई है नवंबर 29 को। ओके गाइस, ये रिजल्ट है सितंबर 21 की फाइल का। सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे ही हो गया था। बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आया। देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके गाइस, ये एक और है रिजल्ट सितंबर 21 का। फाइल लॉजमेंट डेट है सितंबर 21, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर नेक्स्ट डे आया, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया नवंबर 29, उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके गाइस, ये नेक्स्ट है, मेरे व्यूअर हैं ये भी, अपफ्रंट मेडिकल इनका था 21 अगस्त का। फाइल लॉजमेंट डेट थी इनकी 21 सितंबर, बायोमेट्रिक्स थे 9 अक्टूबर के। उसके बाद बीवीएल एंड पीपीआर इनको रिसीव हुई 29 नवंबर को। ओके, ये नेक्स्ट देखिए,
नॉन एसटीएस फाइल है, अप्लाई किया था 9 सितंबर को, बायोमेट्रिक्स हैं 20 सितंबर के, मेडिकल अपडेट है 12 अक्टूबर का और इनको इनकी पीपीआर रिसीव हुई है 29 नवंबर को। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, आज इनको इनकी पीपीआर रिसीव हुई थी, फाइल लॉजमेंट डेट है 11 सितंबर, मेडिकल हैं 21 अगस्त, बायोमेट्रिक्स हैं 14 सितंबर के, उसके बाद बीवीएल आया, देन मेडिकल अपडेट हुआ और साथ ही साथ में पीपीआर भी रिसीव हो गई इनको 2 AM 30 नवंबर को। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, प्रोफाइल कोर्स है इनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉर्जियन कॉलेज में, एप्लीकेशन 13 अगस्त, ऑफर लेटर 16 अगस्त, फी पेमेंट 21 अगस्त, GIC पेमेंट 23 अगस्त, GIC लेटर 25 अगस्त और 10 सितंबर लेट ड्यू टू एरर इन इंफॉर्मेशन। ओके, वीज़ा पार्ट मेडिकल 3 सितंबर, बायोमेट्रिक 6 अक्टूबर, सेम डे अपडेट हो गए थे, उसके बाद फाइल लॉज इन्होंने की 20 सितंबर को, उसके बाद मेडिकल अपडेट हुआ सेम डे 29 नवंबर, देन BVL एंड PPR भी इनको रिसीव हुई 29 नवंबर को। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, सितंबर 9 फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर इनको नेक्स्ट डे आ गया, देन कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, सितंबर 11 है इनका फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे हो गया, बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर सितंबर 12 को आया, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके गाइस, तो ये भी हमारे चैनल के व्यूअर हैं, फाइल लॉजमेंट डेट है इनकी 18 सितंबर, मेडिकल इन्होंने करवाया था 27 जुलाई को, बायोमेट्रिक्स करवाए थे 19 अक्टूबर को, सेम डे अपडेट हो गए थे, मेडिकल अपडेट हुआ एंड BVL आया इनको 23 नवंबर को, उसके बाद इनको PPR रिसीव हुई थी 29 नवंबर को। ओके गाइस, ये नेक्स्ट देखिए, सितंबर 21 है फाइल लॉजमेंट डेट, सबमिशन कंफर्मेशन सेम डे, नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आ गया इनको, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुई नवंबर 29 को। ओके, तो ये नेक्स्ट है 6 अक्टूबर मेडिकल, 27 अक्टूबर फाइल सबमिशन, ओके 23 नवंबर बायोमेट्रिक्स एसटीएस केस है, 29 नवंबर रिव्यू स्टार्ट हुआ, मेडिकल अपडेट हुआ और उसी डे इनको इनकी पीपीआर रिसीव हो गई। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, एसटीएस फाइल है, मेडिकल है 3 सितंबर, सबमिट किया था अपनी फाइल को इन्होंने 20 सितंबर को, बायोमेट्रिक्स थे इनके 23 सितंबर के, उसके बाद मेडिकल अपडेट हुआ 30 नवंबर को, देन BVL आया इनको 30 नवंबर को, उसके बाद PPR भी रिसीव हुई 30 नवंबर को। ओके, ये नेक्स्ट है फाइल लॉजमेंट डेट 13 सितंबर, मेडिकल अपडेटेड 17 अक्टूबर, बायोमेट्रिक्स ऑन 4 अक्टूबर, ओके नॉन एसटीएस विद PTE 59 नॉट लेस देन 56, ओके गोइंग फॉर मास्टर्स, गॉट PPR यस्टरडे, मींस 29 नवंबर को इनको इनकी PPR रिसीव हुई है। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, टाइमलाइन नॉन एसटीएस एप्लीकेशन है, ये भी ये तीसरा रिजल्ट है आज की वीडियो में नॉन एसटीएस फाइल के लिए, अपफ्रंट मेडिकल है 24 अगस्त, फाइल लॉजमेंट डेट है 9 सितंबर, बायोमेट्रिक्स हैं 14 सितंबर, मेडिकल अपडेट 8 अक्टूबर, रिव्यू स्टार्ट हो गया था 29 नवंबर को, देन PPR एंड BVL इनको रिसीव हुआ है 29 नवंबर को। ओके गाइज, अगेन वन नॉन एसटीएस रिजल्ट, 10 सितंबर फाइल लॉजमेंट डेट, 20 सितंबर बायोमेट्रिक्स, 62 नॉट लेस देन 53 है इनके PTE में और 29 नवंबर को इनको इनकी PPR रिसीव हुई है। ओके, ये नेक्स्ट देखिए, फाइल लॉजमेंट डेट 20 सितंबर, मेडिकल 13 सितंबर, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, बायोमेट्रिक्स हैं 8 अक्टूबर, सेम डे अपडेट हो गए थे, आज में 7.5 बैंड्स हैं, नॉट लेस देन 6.5, 10th में 95%, 12th में 89, उसके बाद कोर्स है इनके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, BVL मेडिकल अपडेट हुआ सेम डे जब PPR आई, तो सेम डे ही इनका मेडिकल अपडेट हुआ था और PPR भी इनको सेम डे 29 नवंबर को रिसीव हुई थी। ओके गाइज, नेक्स्ट है फाइल लॉजमेंट डेट 7 अगस्त, बायोमेट्रिक्स हैं 11 अगस्त के, मेडिकल अपडेट है 1 अक्टूबर, BVL एंड PPR 29 नवंबर, अगेन ये नॉन एसटीएस विद PTE 61 स्कोर के साथ वीजा ग्रांट हुआ है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स थी इनके पास विद 50% एंड नाइग्रा कॉलेज टोरंटो कैंपस के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। ओके गाइज, ये देखिए, एक प्रोफाइल है, फाइल लॉजमेंट डेट 27 अगस्त, मेडिकल अपडेट 16 सितंबर, बायोमेट्रिक्स 10 सितंबर, BVL 31 अक्टूबर, उसके बाद PPR इनको आई है 29
सॉरी 30 नवंबर को मींस आज एसटीएस फाइल है, 6 बैंड्स हैं, नॉट लेस देन 6, प्लस 2 पास आउट हैं ये 2019 में विद कमर्स स्ट्रीम। सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर कैंपस के लिए जनवरी 2022 के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। ओके गाइस, नेक्स्ट है 29 नवंबर को पीपीआर रिसीव हुई थी। एसटीएस फाइल है बीकॉम 2020 में, आज में 6.5 हैं बैंड्स। उसके बाद जुलाई 14 को मेडिकल करवाया था, फाइल लॉजमेंट डेट है 21 सितंबर, सीरीज नंबर भी मेंशन है 304525। 7 अक्टूबर इनका बायोमेट्रिक्स का डेट था और सेम डे अपडेट हो गए थे। 29 नवंबर को रिव्यू स्टार्ट हुआ, 29 नवंबर को ही इनका मेडिकल अपडेट हुआ और पीपीआर भी इनको 29 नवंबर को ही रिसीव हुई है। ओके गाइस, तो ये आपने देख ली पीपीआर्स, काफ़ी बल्क में पीपीआर्स आई हैं आज। तो फाइनली कुछ नॉन एसटीएस के रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर नॉन एसटीएस स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सबको जल्दी जल्दी वीज़ा ग्रांट हो जाए अपने, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा जब भी आपकी पीपीआर आपको रिसीव होगी विद योर टाइमलाइन मेंशन। ओके गाइस, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। एंड टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ इन योर होम्स।